है, तो बोले कि नहीं रुको बताते, तो बोले कोई परेशानी होगा इसीलिए नहीं बताए। तो और दोस्तों क्या बताएंगे हम घर में, तो मम्मी के पास, तो मम्मी पापा के पास मोबाइल है नहीं, पापा के पास मोबाइल है तो फ़ोन लगाने नहीं जानते हैं वो, तो हम किसी का फ़ोन आता तो रिसीव करते हैं, या किसी से बात करना होता तो हम लोग लगा के देते हैं तब बात करते, इधर से लगाने के लिए नहीं जानते, सिर्फ कॉल रिसीव करने के लिए जानते हैं वो। तो दोस्तों फिर क्या बताएंगे, जब फिर किए कॉल, हम लोग खाना उना, पहले बोले कि ठीक है तुम लोग खाना उना खा लो और सो जाओ आराम से। तो दीदी सब थे यहाँ पे, खाना बनाए सामने में और खाना उना बना के दिए, सब खाए, हम लोग हम भी खाए और छोटी मेरी भांजी है वो भी खाए, दोनों आदमी मिल के खाए और गए सोने के लिए। जब सोने गए तो फिर आए कल पे पैर धोने के लिए, तो सोचे एक बार फ़ोन लगा के पूछते हैं कहाँ है, रात हो गए हैं, 9 बज रहे थे, 9:30 बज रहे थे, तो सोचे पूछते हैं कहाँ है नहीं है। जब कॉल लगाए तो इस तरह का बात सुने, तो हमको तो लगा कि क्या बताए, ज़मीन तले पैर खिसक गया कि आखिर क्या हो गया या अचानक, और बहुत सोच लगा, जो खाना पीना खाए थे सब लगा था कि पूरा चल गया पानी में, कुछ भी देह में शक नहीं लग रहा था। दोस्तों बहुत टेंशन हुआ, इतना टेंशन हुआ कि मत पूछिए। फिर वो बोले कि मम्मी पापा को मत बोलिएगा, अगर जब मम्मी पापा को बोलिएगा तो बहुत वो सब सोचने लगेंगे कि क्या हो गया ना हो गया, और बहुत टेंशन हो जाता है, थोड़ा सा भी कुछ होता है तो बहुत टेंशन हो जाता है वो सब सुनने के बाद। तो और ऐसे बात करते थे तो छोटी वाली भांजी सुन ली, अभी कुछ होता है तो बहुत टेंशन हो जाता है वो सब सुनने के बाद। अभी यहाँ पे सोए हुए हैं और मम्मी सब भी बैठे हुए हैं, सब अभी आप लोग को बैक कमरा करके दिखाते हैं अभी किस सिचुएशन में है, सो दिखाते हैं आप लोग को। देखिए दोस्तों अभी यहाँ पे सोए हुए हैं और किस तरह वहाँ पे मम्मी भी बैठी हुई, बहुत टेंशन में है मम्मी। और देखिए क्या बताएं, डॉक्टर जी आए, दवा उवा दिया, हम तो नहीं थे, हम तो उधर थे डॉक्टर। अच्छा आप लोगों ने वीडियो तो देख लिया, लेकिन मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है आप लोगों को मैं बताना चाह रही हूँ कि जहाँ सावन चढ़ा, सावन ही नहीं जितने भी इतने ऐसे ऐसे फेस्टिवल हैं, या केदारनाथ है या बड़े बड़े जो तीर्थ स्थल हैं, आजकल श्रद्धा का नहीं सिर्फ और सिर्फ रील्स और वीडियो बनाने का स्थान बन गया है, और इंसान श्रद्धा से नहीं जाता है, शौखिया जाता है। शौखिया और श्रद्धा में दोनों में अंतर होता है। पहले के लोग बहुत कम जाते थे, बहुत कम भीड़ भी होती थी, और पहले श्रद्धा भाव से जाते थे, और पहले बच्चे लड़कियां और लड़के ये सब जाते ही नहीं थे। पहले के ज़माने में हमारे पापा बाबा दादा ये लोग ही जाते थे बहुत ज़्यादा ज़्यादा, लेकिन आजकल को जन्मे हुए बच्चों को भी लेके जा रहे हैं बाबा धाम, बैजनाथ धाम, अरे सॉरी दोनों ही एक है, केदारनाथ धाम अभी जल्दी ही में वाक्य हुआ है केदारनाथ धाम का, वहाँ पे एक कपल एक दूसरे को प्रपोज कर रहे हैं। अब बताओ मतलब शर्मनाक ये चीज़ें हो रही हैं। हमारे जितने भी तीर्थस्थल हैं वो दिन दूर नहीं कि सब लुप्त हो जाएंगे भगवान लोग, इन लोगों के हर मतलब हर जगह को ये लोग अपना वाहियात रील्स बनाने का जगह बना लिए हैं। अब आप लोग सोचोगे कि आरती मनु का वीडियो बना के ये क्यों दिखा रहे हो, मैं उसी से रिलेटेड ये बात करने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अब आरती के मनु जा रहे थे बोलबम बाबा धाम जा रहे थे, बीच में एक्सीडेंट हो गया। आपने कभी सोचा है कि आखिर में ऐसे सब घटनाएं क्यों होती है, कहीं भी जाता है तीर्थ स्थान में या कुछ भी, तो ये सब अगर हो गया बाई दबे बाई चांस, कभी भगवान न करे, मैं तो कभी नहीं मनाती हूँ कि ऐसा किसी का भी हो, सबका अच्छा अच्छा हो, क्यों होता है ऐसा, सिर्फ और सिर्फ क्यों, भगवान नहीं पढ़ता, भगवान ने सबको जन्म दिया है तो वो सबका भाव देखता है। आप जा रहे हो बाबा धाम और वहाँ पे नशा नशेड़ी सब करके जा रहे हो भोले बाबा के नाम पे कि वो ऐसा करते थे, अब इनका कार एक्सीडेंट हो गया, आप श्रद्धा भाव से जाते तो जाते, दोस्त मित्र चले, बस हम भी बाबा धाम चल लिए, ऐसे होता है दर्शन। इसीलिए कह रहे हैं ना कि जैसा भाव होता है वैसा भगवान उसको दर्शन भी देते हैं। जाइए ना बाबा धाम, दर्शन आपको होगा नहीं होगा, पहले जाके एकदम शिवलिंग पे आप जल चढ़ाते थे, लेकिन अब क्या हुआ है कि एक नाली बना दी गई है पतरे की, अब उस नाली के थ्रू आप लोग जल डालिए, वो सीधा बाबा के
लिंग पे जाता है, लेकिन उनके पास जाने का किसी को नहीं जाने दिया जाता है, ना ही दर्शन होता है। और दर्शन तो छोड़ो यार, दर्शन छोड़ो आप, जलते जलते जल चढ़ा के ऐसे बस हो गया और बस धकेलने लगे पुलिस लोग। तो ये होता है श्रद्धा, जिसकी जैसी भावना प्रभु मुहूर्त वैसे ही वो देखता है, जैसी रही भावना जिसकी प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी, वही हाल है। तो ऐसे मैं बोलती हूँ यार, ऐसे क्यों ऐसा लोग कर रहे हैं, ऐसे जाया जाता है। अब डीजे लगा लिए, डीजे पर नाचते हुए जा रहे हैं, कमर में बांध लिए एक, मतलब हद है कुछ भी। पहले ये सब नहीं दिखता था, आजकल सब मतलब हद ही है। पैर में घुंघरू बांध के जा रहे हैं लोग, क्योंकि छमछम बाजेगा तो चलने का उत्साह और बढ़ेगा। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से वहां जाते हो, अपने मनोरंजन के लिए जाते हो कि लोग बहुत जा रहे हैं, हमको भी जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा हो रहा है। तो आरती मनु का ऐसे ही है, देखिए इनका एक्सीडेंट हो गया, आ गए घर पे। अब एक माँ क्या सोचेगी, माँ का क्या गलती है कि भैया एक बेटा चला गया, एक बेटा कम से कम अच्छे से रहे। तो आप जाइए, जो भी जाइए आप श्रद्धा भाव से जाइए, दोस्तों के संगति में चल दिए, डीजे बजाते हुए मनोरंजन करते हुए। इन्हीं परिस्थितियों में नहीं बोल, छोड़ो जाने दो, मुझे बोलना ही नहीं चाहिए, लेकिन भगवान ऐसे ही नहीं दर्शन दे देते हैं। भगवान को बहुत ईजी समझ लिए हैं लोग कि चले हम भगवान का दर्शन करने, क्या मतलब है उस भगवान को दर्शन करने से, क्या मतलब है कि जब वहाँ पे पहुँच के आप दर्शन ही ना कर पाओ, फैशन में जल चढ़ा दिए, ये फैशन ही तो नहीं, फैशन ही तो है ना, मजाक बना के रख दिए हैं लोग हर तीर्थ स्थान को, अपना फैशन का अड्डा बना के रख लिए हैं लोग, वीडियो का अड्डा बना के रख लिए हैं लोग। तो चलिए दोस्तों, इस शब्दों के साथ में मैं इस वीडियो को करती हूँ एंड। आप लोगों की क्या राय है जरूर बताइएगा, मुझे किसी को भी दिल दुखाने का कोई भी उद्देश्य नहीं था। किसी का दिल दुखाओ तो तहे दिल से माफ़ी मांगते हैं, बस जो है वो मैं बताई हूँ। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।